अस्सलाम वालेकुम नाज़रीनो सामाईन, मैं हूँ आपका होस्ट शमशेर मुनीर और आज हम बात करेंगे कि हम अपने पत्थरों को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब ये कि कैसे हम लोग अपने पत्थरों की हिफाजत कर सकते हैं और कैसे उनकी चमक दमक में इजाफा कर सकते हैं घर पे बैठे हुए ही, बजाय इसके कि हम सुनारों के पास उनको लेकर जाएं और वहाँ से हम इनको वो पॉलिश करवाएं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग इन पत्थरों को घर पे ही बेहतरीन बना सकते हैं, उनकी चमक दमक में इजाफा कर सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे हम अपने पत्थरों को रिचार्ज कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं जिरकोन पत्थर की। तो जिरकोन पत्थर को आप किसी भी बर्तन में पानी डालकर सूर्य तुलू होते हुए, जब सूर्य तुलू हो रहा हो उस वक्त आप उसको बाहर रख दें और तकरीबन 1 घंटा रख कर छोड़ दें। उसके बाद आप उसको उठा लें और पहनकर खुद आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में वो पत्थर रिचार्ज हो जाएगा। और ऐसा आपने तकरीबन 1 हफ्ते या कम से कम 2 हफ्ते के बाद ही करना है, इससे कम वक़्त में नहीं करना। और दूसरे पे बात करते हैं मरजान पत्थर की। तो मरजान पत्थर को भी आपने किसी भी बर्तन में पानी डालकर दिन के वक्त तकरीबन 2 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रख देना है और ये 2 घंटे के अंदर अंदर ये पत्थर रिचार्ज हो जाएगा। और अब बात करते हैं यकूत पत्थर की। तो यकूत पत्थर को आपने आधा घंटा छोड़ना है सूरज की रोशनी में, पानी डाल के ही आपने इसको भी रखना है और ये तकरीबन आधे घंटे में रिचार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं फेरोज़ा, दुर्रे नजफ़ और मोहे नजफ़। इन तीनों पत्थरों के लिए जो तरीकाकार है इनको रिचार्ज करने का, वो ये है कि आपने नारियल को ग्राइंड करके उसके पीसीस को पानी में रख कर इन तीनों पत्थरों को आप अलग अलग से भी रख सकते हैं या एक साथ भी रख सकते हैं और तकरीबन 4 घंटे इनको आपने रात के वक़्त सूरज जो है चांद की रोशनी में रख देना है। और जब आप सुबह उठकर देखेंगे तो इनकी चमक जो है वो पहले से मज़ीद बढ़ चुकी होगी। और अब बात करते हैं जमुर्द पत्थर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। जमुर्द पत्थर चूँकि होता है हरे रंग का, इसलिए आप पुदीना या हरा धनिया लेकर उसके पत्तों को पानी में भिगोकर उसके अंदर जो है जमुर्द को रख सकते हैं और तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ दें पानी में और ये 3 घंटे बाद पत्थर आपका रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओपल पत्थर की। ओपल पत्थर को आपने सूरज में भी नहीं रखना और ना ही चांद की रोशनी में, बल्कि इसके लिए आप 2 हफ्ते बाद कोई भी अच्छा सा साबुन लेकर उसकी झाग बना लें और झाग को आपने इसके ऊपर जो है पत्थर के ऊपर तकरीबन 5 मिनट लगातार इसको रगड़ना है उसकी झाग को। तो आप खुद देखेंगे 5-6 मिनट बाद ही इस झाग के मसाज करने के बाद वो पत्थर जो है वो मज़ीद चमक उठेगा। तो बात करते हैं कैट्स आई और टाइगर स्टोन जो है कि इनको हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी बर्तन में पानी डालकर रात के वक़्त जब चांद की रोशनी हो तो इसको, इन दोनों पत्थरों को आप रख सकते हैं और सुबह उठकर जब देख निकालेंगे तो देखेंगे कि इनकी चमक मज़ीद बढ़ चुकी होगी। और अब बात करते हैं लाजवर्द पत्थर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। लाजवर्द पत्थर के लिए आपने कोई भी बर्तन जिसमें पानी डाला हो और नील की एक थोड़ी सी बूंद डाल के पानी में शामिल करें और उसमें अपने पत्थर को लाजवर्द जो है और रख कर तकरीबन 4 घंटे का टाइम दें और 4 घंटे बाद उस पत्थर को निकाल लें, वो आपका पत्थर रिचार्ज हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं कि हीरे को हम कैसे जो है उसकी चमक दमक में इजाफा कर सकते हैं। तो हीरे को भी आप तकरीबन हर 1 महीने बाद साबुन मिले जो पानी है उससे आप इसकी भी जो है वो सफाई कर सकते हैं और मज़ीद ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से इसका रंग उतर सकता है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने किसी भी पत्थर को किसी भी क्लींजर के साथ वॉश नहीं करना, धोना नहीं है, ना ही इससे वो इसकी सफाई करनी है, क्योंकि क्लींजर जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी पत्थर जो है उसका रंग उतर सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी क्लींजर जो है वो नहीं इस्तेमाल करना, साबुन भी जो है वो अच्छा इस्तेमाल करना है, कोई घटिया साबुन इस्तेमाल
नहीं करना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।